हेलो फ्रेंड, वेलकम टू KTG यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग मैथ को कंटिन्यू करेंगे एंड उसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सारा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सब आप लोगों का क्विक रिवीजन है, क्योंकि गेट का एग्जाम पास में आ गया है। तो मैं कुछ कुछ कंक्लूजन लिख के उसी से सवाल बना रहा हूँ, क्योंकि ये सारे चीज़ ना मैथ्स मैथमेटिक्स क्या है ना, आप 10th 12th में पढ़े होंगे, इट्स इनफ 10th 12th में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे प्रोसीड्यूर देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे फास्ट करते हैं। तो सारा क्वेश्चन में ना, सारे क्वेश्चन में कंसेप्ट छुपा हुआ है, तो वो सारे कंसेप्ट हम उसको सोल्व करते हुए बता देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये इलेक्ट्रिकल 17 17 17 17, AC 17, इंस्ट्रूमेंटेशन 17, तो मैं अभी सारे 17 का क्वेश्चन लिया हूँ यहाँ पर। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 18 का क्वेश्चन लूँगा और सारे क्वेश्चन बस इतना ही सा कंसेप्ट में मैं सोल्व करूँगा। तो देखिए क्या है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का जो बेसिक रूल है, बेसिक क्या है, बेसिक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका इसको हम और क्या लिख सकते हैं, RE to the power i theta, यूलर्स फॉर्म। उसके बाद ट्रिकोनमिति में क्या लिख सकते हैं, R into cos theta plus i sin theta, करेक्ट। तो ये सब बेसिक हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी IIT JEE और IEEE सब का प्रिपरेशन करते थे, तो ये इनफ हम लोगों को पता है। तो वो सब बता के मैं यहाँ पे आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि गेट का टाइम बहुत ही पास हो गया, नज़दीक आ गया। और मैं जितना भी यूट्यूब या कहीं पर वीडियो देखता हूँ वहाँ पर बहुत सारे बेसिक में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो लास्ट तक वीडियो कोई देख नहीं पाता। इसलिए हम लोग स्टार्ट ही करेंगे क्वेश्चन से, और क्वेश्चन ही आता है। सो बेसिक के लिए बहुत सारे बुक हैं, बस आप तरीका देखिए कि कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए, कोई भी फंक्शन, कोई भी अगर fz इजकल टू, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ux, y + i v x, y, इस फॉर्मेट में f(z) रहेगा, करेक्ट। तो देखिए, अगर ये फंक्शन f(z) एनालिटिक है, एनालिटिक इन द सेंस क्या, अगर वो डिफरेंशिएबल है, कोई भी फंक्शन का क्या होता है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, इन जनरल लिमिट एग्जिस्ट होता है, लिमिट अगर एग्जिस्ट होता है तो नेक्स्ट में क्या जाता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक है, लास्ट में आता है हम लोगों का एनालिटिक, करेक्ट। तो कोई भी फंक्शन क्वेश्चन में पूछा जाता है एनालिटिक है कि नहीं, एक क्वेश्चन देखिए, एक चीज माइंड में याद रखिए, कोई भी पॉलीनोमियल फंक्शन जो होता है वो एनालिटिक फंक्शन होता है। एनालिटिक के लिए कुछ कंडीशन है वो फॉलो, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या है कुछ कंडीशन है, लिमिट के लिए क्या है, LHS = RHS, कंटिन्यूटी के लिए कुछ हम लोगों को रूल्स ही है ना, वो रूल्स को फॉलो करेगा तो वो फंक्शन एनालिटिक हो, कंटिन्यूअस हो, जो भी हो, वो हम बोल सकते हैं, वो प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी फंक्शन xy में दिया हुआ है वो एनालिटिक है, दैट मीन्स वो इसको फॉलो करेगा, ∂u/∂x = ∂v/∂y एंड ∂u/∂y = ∂v/-∂x, ये होना चाहिए, ये फर्स्ट रूल, ये आप लोगों को एकदम से याद होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए ये चीज़। सेकंड, कोई भी फंक्शन मान लीजिए u दिया हुआ है एंड v पूछा गया है, तो इसको डिफरेंशियल में कैसे लिखेंगे, dv = u दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv/u और v दोनों xy के फॉर्मेट में आता है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए dx, xx गया, dv बचा, प्लस dv, लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बस मैं तरीका और ट्रिक बताऊंगा, याद करने का ट्रिक और लिखने का तरीका, जिससे कि आप लोगों को प्रोसेस पता हो जाए और अटेम्प्ट कर सके, और बेसिक के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। dv/dy (dy) देखिए, यहाँ भी dv है, राइट, dv बहुत स्मॉल, बहुत सा स्मॉल, तो ये dv कट गया, ये dy कट गया, तो ये approx = dv है ना, अप्रॉक्स बहुत छोटा है, राइट। तो आप देखिए, अगर हम लोगों को u पता है, भी चाहिए, तो पहले हम ये लिख लिए, राइट, एंड ये भी तो पता है ना, ∂u/∂x एनालिटिक के लिए, ∂u/∂x = ∂v/∂y,
एंड डेल यू वाई, डेल वाई इजकल टू माइनस डेल वी वाई डेल एक्स, ये भी पता है। तो अब पुट कीजिए डी वी बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स को लिख सकते हैं माइनस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई को क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। तो मैं क्या बोला, हमको पहले हम लोगों को क्या पता है, सिर्फ यू पता है, भी चाहिए, भी चाहिए, यू पता है नोन, भी नहीं पता है, भी चाहिए। तो भी को हम लोग ऐसे लिखना का तरीका पता चल गया, कैसे लिखते हैं, करेक्ट। अगर हम लोग भी लिख दिए, भी लिख दिए, यहाँ भी आया, तो भी को चेंज कर देंगे एक फॉर्मेट में, अगर लिख दिए तो इसको चेंज करना तो आसान है ना, डी वी बाई डी एक्स को ऐसा लिख दिए, डी वी बाई डी वाई को ऐसा लिख दिए, ये हमारा डी वी हो गया। तो डी वी इन द फॉर्म ऑफ डी वाई हो गया, ये भी है ना, ये सिर्फ यू के फॉर्म में आ गया ना, और यू तो आप लोगों को अननोन है, यू सॉरी यू तो नोन है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए तो हम लोगों को डी वी से भी आ जाएगा, करेक्ट। मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ। अब देखिए ऐसे ही, इसी तरह लोग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारा फॉर्मूला याद करके रखते हैं, डेल यू वाई एक याद रखिए, दैट इज इनफ, एनालिटिक का क्या है, दैट इज इनफ टू राइट एनी इक्वेशन। अब देखिए मैं आपको बोला हमको भी पता है यू का फॉर्मूला लिखो, भी पता है यू का फॉर्मूला लिखो, पहले क्या कीजिएगा, डी यू इजकल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी यू बाई डी वाई इंटू डी वाई। यू पता, यू हमको क्या है, यू हमको चाहिए, भी पता है, राइट, ये हम बोलते हैं नोन, अननोन। तो अननोन को पहले लिख लीजिए दोनों तरफ, राइट, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन लेना होगा, अननोन। अब हम लोग डी यू को एक एक फॉर्मूला तो ब्रह्मास्त्र आपको याद ही रखना होगा, डेल यू बाई डेल एक्स इजकल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इजकल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब चेंज कर दीजिए क्योंकि डेल यू, यू हमको देखिए यू क्या है, अननोन है, तो यू में रहेगा तो हम लोग का आंसर नहीं आएगा, तो यू को भी में चेंज कीजिए। डेल यू बाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स को डेल वी बाई डेल वाई लिख सकते हैं प्लस डेल यू बाई डेल यू बाई डेल वाई को क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल वाई को लिख सकते हैं डेल डेल यू बाई डेल वाई को माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी वाई। अब देखिए यू अननोन है, यू अननोन है, बाकी यू अननोन है, ये भी के टर्म में है, लेकिन भी हमारा नोन है, तो ये भी तो डेल यू बाई डेल वी बाई डेल वाई भी नोन होगा, ये भी नोन होगा, करेक्ट, और दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, भी नोन है तो ये यू कैसे लिखिएगा, यू नोन है तो भी कैसे लिखिएगा। अब इसको याद मत कीजिएगा कि डेल यू इजकल टू ये डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी एक्स माइनस डेल वी बाई, ये याद करने का कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक है। सो हम लोग अभी डी वी लिखने का तरीका देखें। अब देखिए तीसरा तरीका है, वही मैं यहाँ पे बताया हूँ, तो यहाँ पे डी वी लिखा हुआ, आप लोग डी यू भी लिख सकते हैं, डी यू को कैसे लिखेंगे पहले, करेक्ट, वो मैं आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट, और गेट में स्पीड एंड एक्यूरेसी दो ही रैंक देता है। अब एफ जेड, एफ जेड को कैसे लिखेंगे, ये तरीका देखिए, एफ जेड हमको बोला जाएगा यू और भी दिया रहेगा, यू दिया रहेगा, राइट, या भी दिया रहेगा, दोनों में से कोई फंक्शन दिया रहेगा, भी लेट अस सपोज आपका भी दिया रहेगा, भी एक्स कॉमा वाई इजकल टू एक्स क्यू प्लस एक्स वाई, भी दिया हुआ, अब आपसे बोलेगा डेल यू निकालिए।